नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद का 20वां दिन, किसानों से बातचीत को तैयार सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमें जवाब का इंतजार। 4096 करोड़ के अनुपूरक बजट पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। विधानसभा सत्र में होगा पेश। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लगी मोहर। देहरादून राज्य कैबिनेट में हुई महत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट बैठक में 4 अहम प्रस्ताव पास। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव। रानीखेत के सल्ट ब्लॉक में सड़क हादसा। खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत। कार में सवार थे 4 लोग, 1 घायल। डोईवाला में इको फ्रेंडली पार्क से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है थानों का इको पार्क। थानों रेंज जुटा रहा सुविधाएं। शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, घना कोहरा बन रहा मुसीबत। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 4 प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। पहला 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर हुआ। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती का प्रस्ताव। भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करने की मंजूरी दे दी गई। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड करेगा। पीजी करने वाले डॉक्टर्स से अब कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। वहीं कैबिनेट में UPCL वित्तीय लेखा रिपोर्ट पर प्रस्ताव मंजूर किया गया। विद्युत नियामक आयोग की विनियम को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। लगभग 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइगर सफारी उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की पाखरो रेंज में बनने जा रहा है। प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाली देश की पहली टाइगर सफारी के बनने से क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि टाइगर सफारी में 2 बाड़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बाघों को देखने के लिए देश विदेशों से पशु प्रेमी पहुंचेंगे। वन मंत्री ने कहा कि इसके प्रारंभिक बजट की व्यवस्था टाइगर फाउंडेशन से की गई है। देखो सुनो, मैं माँ भारत का अभिमन्यु तो हूँ नहीं। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरों कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनी है। ये 106 हेक्टेयर में बनेगी और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं, पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरों आएंगे और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक वन क्षेत्र थानों में प्राकृतिक संसाधन के अब इको फ्रेंडली पार्क भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पार्क की सराहना कर यहां पर और सुविधाएं जुटाने के लिए वन विभाग को सहयोग देने की बात की है। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा को लगातार एक के बाद एक नई सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला को पहाड़ी क्षेत्र थानों में मुख्यमंत्री की पहल पर वन क्षेत्र थानों रेंज ने इको पार्क का निर्माण कराया है। इस पार्क को इको फ्रेंडली बनाकर यहां पर तमाम तरीके की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां पार्क में झूले लगाए गए हैं, तो वहीं लोगों के घूमने और समय बिताने के लिए स्वच्छ वातावरण के लिए पार्क में पेड़ पौधे लगाकर पार्क को और आकर्षित बनाया जा रहा है।
थानो वन क्षेत्र में रायपुर भोगपुर रोड पर स्थित इको फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था और यहां पर तमाम तरह की सुविधाओं को जुटाने के साथ ही एक पानी का तालाब भी बनाने का काम होना है। थानो का इको पार्क पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी इस मार्ग से गुजरता है वो इस पार्क की दीदार जरूर करता है। दिल्ली के कुछ लोग पार्क में मस्ती करते मिले और हमसे बात करते हुए दिल्ली के पर्यटक लक्ष्य आहूजा ने बताया कि यहाँ का वातावरण बेहद खूबसूरत है। पहाड़ियाँ हैं, पानी है और पार्क में मनोरंजन के साधन हैं, जिसे देखकर हम यहाँ पर रुके। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम जाते जाते पार्क में नजर पड़ी तो हम यहाँ रुक गए। देखने के लिए काफी सुंदर लग रहा था ये पार्क, इस वजह से झूले वूले लगे हुए थे इसलिए हम रुक गए थोड़ी देर के लिए देखने के लिए। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बहुत। थानो के इस इको पार्क का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसलिए अभी पार्क में सुविधाएं जुटाने का काम चल रहा है। साथ ही पार्क में मनोरंजन के लिए भी और काम होने हैं। थानो वन क्षेत्र में इको फ्रेंडली पार्क बनाने की सोच क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी नथीलाल डेभार की है, जिसे वन मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। रेंजर डोभाल ने बताया कि अभी पार्क में बहुत सी नई चीजों को जोड़ने पर काम चल रहा है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो लोग बड़ी संख्या में इस पार्क की ओर आकर्षित होंगे। रेंज के अंतर्गत इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, अभी इसमें काम चल ही रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को काफी अच्छा महसूस भी हो रहा है। यहाँ पे मेन है कि एक तो हवाई अड्डा नजदीक है तो यहाँ पे बाहर के पर्यटक भी काफी आते हैं, तो स्थानीय लोगों को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे तो अभी झूले लगाए गए हैं, अभी यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा, कुछ तालाब बनाए जाएंगे और कुछ फुलवारी अन्य मतलब गेट्स अन्य काफी निर्माण कार्य होने। डोईवाला विधानसभा को लगातार विकास योजनाओं से जोड़कर यहां सीएम की वीवीआईपी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं सीएम की विकास की सोच को अधिकारी मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। थानो का इको फ्रेंडली पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं राजस्व भी मिलने से राज्य की आय भी बढ़ेगी और रोजगार के साधन भी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में भले ही तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट पिछले माह शीतकाल के 6 माह के लिए बंद हो गए हो, लेकिन बावजूद इसके तुंगनाथ धाम में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। धाम जाने वाले पर्यटकों पर किसी की रोक टोक नहीं है। तुंगनाथ पहुंच रहे पर्यटक पैदल मार्ग और बुग्यालों में गंदगी कर रहे हैं, जिससे हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंच रहा है। बता दें कि तुंगनाथ धाम तृतीय केदार होने के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ में भारी बर्फबारी होती है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में बिना किसी रोक टोक के पर्यटक तुंगनाथ में पहुंचते हैं। पर्यटक तुंगनाथ के अलावा चंद्रशिला तक जाते हैं। पर्यटकों की आवाजाही पर यह किसी की रोक नहीं है। तुंगनाथ चौथा उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर प्लेस है और हाई हिमालयन मिडोज प्लेस है। और 6 महीने जब यहाँ पे बाबा तुंगनाथ के कपाट खुले रहते हैं तो यात्री दर्शन के लिए जाते हैं, और जब 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर यात्री यहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है जो हिमालय के दीदार करना चाहता है वो वहाँ पे जाता है कपाट बंद होने के बावजूद भी, और जो हिमालय के रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे कचरा फैला दिया, वहाँ पे पॉलिथीन लेके गए और छोड़ दिया। संबंध में जैसा कि आप बता रहे हैं वर्तमान में भी तुंगनाथ में पर्यटक जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है, इसमें मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वन विभाग से संबंधित है, परंतु यदि कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बिठाते हुए इसके लिए उचित कार्रवाई और व्यवस्थाएं भी बना ली जाएं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में रुद्रपुर जिला मुख्यालय में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। सभी किसान और राजनीतिक दल से जुड़े नेता भी पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देने पहुंचे।
किसानों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद किसान डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। जब काफी देर बाद भी डीएम रंजना राजगुरु ज्ञापन लेने नहीं पहुंची तो किसान नेता द्वारा ज्ञापन फाड़कर एसडीएम जगदीश कांतपाल को थमा दिया गया। इस दौरान किसानों ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रुद्रपुर पहुंचे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह डूडा ने बताया कि किसान कृषि कानून को लेकर अपना विरोध जताते हुए भारत सरकार से इसे वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर में ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकली, जिससे आक्रोशित होकर ज्ञापन को फाड़ दिया गया है। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर अगली रणनीति तैयार करें। है डीएम साहब नहीं आए, क्यों नहीं आए हमारा ज्ञापन लेने के लिए? किसानों में रोष है, किसान नहीं मानते कि मुझे कह रहे एक आदमी आ जाओ, किसान नहीं मानते। अगर मैं चले जाऊं तो किसान फिर मेरे को जूते बांधेगा, मैं क्या करूं? अच्छा, मेरी भी मजबूरी है, मैं किसानों के साथ हूं, किसानों ने मुझे चुना है, तो मैं किसानों की बात क्या मानूंगा? नहीं मैं नहीं, आपने ज्ञापन फाड़ा है, क्यों फाड़ा है? क्यों फाड़ा? जब लेने कोई नहीं आ रहा, हमने चाटना था उसको, क्या करना हमने ज्ञापन को। सितारगंज में विगत दिनों संपूर्णानंद शिविर खुली जेल में हत्यारोपी की संदिग्ध मौत के प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक जीवन सिंह पुत्र गुमान सिंह की हत्या खुली जेल में सजा काटते रहे हुई एक अन्य कैदी ने सिर पर सरिया मारकर कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पिछले दिनों संपूर्णानंद शिविर खुली जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास काट रहे जीवन सिंह अपनी झोपड़ी में घायल अवस्था में मिला था। मामले की संदिग्धता को देखते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सीओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक जीवन सिंह के सर पर चार अलग अलग चोटों की पुष्टि हुई है, जिसे पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की थी। पुलिस ने हत्यारोपी जीतू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। को वहाँ से हॉस्पिटल से मेमो आया था कि एक व्यक्ति जो कि जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, वो गिर के उसके सर पे चोट लगी। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से भी उसकी जांच की गई और हमने भी जब हम पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके सर पे चार चोटें लगा होना। राजधानी देहरादून में सर्व जन स्वराज पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट सहित कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। हालांकि कूच से पहले ही कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट का कहना है कि राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन परिसंपत्तियां आज भी यूपी के कब्जे में है। साथ ही अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द विभिन्न मांगों को पूरा कर ठोस कदम उठाए। नहीं है इसका प्रूफ, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तो हम इस मुद्दे को छोड़ देंगे, लेकिन जब नहीं हुआ है, हमारे ध्यान में नहीं हुआ है और सालों से बात चल रही है। कई बोलते हैं 95% हो गया, कई बोलते 90% हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो हमको और क्या चाहिए? यही इसी मुद्दे को तो हम चाहते हैं कि जनता के हित में इसको आज 60,000 कर्जा मंडरा सर पे, अगर टीली डैम का भी फैसला किया जाए तो सारा कर्जा उतर जाएगा। उसके लिए हम लोग आए हैं, जनता के हित के लिए हम लोग आए हैं, स्वराज पार्टी जनता के हित के लिए लड़ेगी। बद्रीनाथ हाईवे से सटे सुमेरपुर गांव के ग्रामीणों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था मेघा कंपनी पर पैतृक घाट तथा पैदल मार्ग को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी ने उनके पैदल रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को शवों को घाट तक ले जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर दूर सुमेरपुर में रेल लाइन निर्माण कार्य से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य कर रही मेघा कंपनी पर ग्रामीणों ने मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विकास निगम व कार्यदायी संस्था द्वारा गांव के पैदल रास्ता, पात्रा घाट का रास्ता, पेयजल लाइन व अन्य परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। कई बार अवगत कराने पर भी मरम्मत नहीं की जा रही है, साथ ही निर्माण कार्य से धूल उड़ रही है जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य से डुंगरी, भुनका, धांधड़, पोखरी, रतूड़ा डैम, चोपड़ी खेत और सुमेरपुर गांव को जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों के पानी के स्रोत तोड़ दिए गए हैं। सुमेरपुर में धूल ही धूल उड़ रही है। लोगों के आवासीय भवनों के पीछे मलबे के ढेर लगाए जा रहे हैं जिस कारण धूल सीधे घरों के भीतर जा रही है। हॉटमिक्स प्लांट लगाकर रात दिन धुआं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने परियोजना के गांव के युवाओं को रोजगार देने की मांग भी की है। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी शहरों से लोगों को लगाया जा रहा है जिससे कि स्थानीय युवा परेशान है। कहा कि रेल परियोजना कार्य से जनता काफी परेशान है। साथ ही आक्रोश जताते हुए कहा कि शीघ्र ही निर्माणदायी कंपनी ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो क्षेत्रीय जनता आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। एक तो इन्होंने रास्तों का जो हमारे क्योंकि गांव ऊपर है, खेती यहां नीचे तक है और अभी भी थोड़ा बहुत बची हुई है तो वहां तक जाने के संपर्क मार्गों को बहुत अव्यवस्थित कर दिया है। और इससे भी मुख्य समस्या है इन्होंने हमारा पानी और वायु प्रदूषण बहुत कर दिया है। पानी तो इतना ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है कि हम जो है पानी के बगैर बहुत परेशान हैं। मवेशियों को पिलाना हुआ और अपना जो है अपने दैनिक यूज़ के लिए जो पानी की आवश्यकता जो होती है हमें, तो मुख्य तीन बड़ी भारी समस्याएं इन्होंने पैदा कर दी हैं। एक जो है वायु प्रदूषण, बहुत ज़्यादा धूल है। दूसरा पानी बराबर टूटा है। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि जिन लोगों को रेलवे का मुआवजा नहीं मिला उन्हें 1 माह के भीतर मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही पैदल मार्गों को दुरुस्त करवाया जाएगा और हॉट मिक्स प्लांट की जांच की जाएगी। विभाग से संबंधित जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका काफी सारा मुआवजा बढ़ चुका है। कुछ मामलों में जो विवादित है या कुछ मामलों में जो जिनको प्रतिकर भुगतान होना है वो यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा नहीं कर पा रहे हैं या वो बाहर हैं, ऐसे कुछ प्रकरण पेंडिंग हैं जिन पे भी त्वरित कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं और हमारी टीम उसमें लगातार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इन सबका समाधान हो जाए। संभवतः अगले 1 महीने के अंतर्गत इन सारे मुआवजों को वितरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाए। सर, जो मिक्स प्लांट लगा है उसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं की क्षेत्र के बीच में मिक्स प्लांट? यदि इस प्रकार की कोई शिकायतें हमको प्राप्त होती हैं तो इसमें जाँच करवा कर कार्यवाही कर ली जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। सितारगंज में राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों व बैंक अधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई जिसका नेतृत्व उप जिलाधिकारी ने किया। बता दें इस बैठक में उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने बताया कि दोनों विभागों द्वारा ऋण वसूली में आने वाली दिक्कतों को लेकर वार्ता की गई है। वसूली करनी होती है उसके संबंध में हमारे राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों और बैंकों के साथ हमने एक समन्वय बैठक की है। उसमें दोनों पक्षों के जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन किया गया और हमारे अमीनों को भी टारगेट दिया गया। बैंकों से भी अपेक्षा की गई है कि वो रिकवरी में जो बैंक की तरफ से सहयोग होता है वो उपलब्ध कराए। खबर नैनीताल से है जहां आगरा डायसिस ने प्रेस वार्ता कर शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधु को निरंकुश शासक बताया है। बता दें कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के स्कूल शेरवुड कॉलेज के विवाद को लेकर आगरा डायस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लंबे समय से अमनदीप संधु प्राचार्य के पद पर बने हुए हैं। इसी बीच स्कूल में हुए नकारात्मक क्रियाकलाप जब उनसे उनकी रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने हमेशा ही उसका टालमटोल किया जिसके बाद से कॉलेज की गिरती हुई छवि को देखते हुए डायसिस ने संधू को निलंबित कर दिया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ नए नवनियुक्त प्राचार्य को विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जो कि कानूनन गलत है, जिसके लिए अब उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही को लेकर याचिका दायर की जाएगी।
लखनऊ डायसिस में पूरा उत्तर प्रदेश तो ढेर सारे हैं उनकी, हमने हमारे पास हमने निकाली हुई है, वो जब हमसे सामने आएंगे हमको चार्ज शीट देंगे, जब वो सामने आएंगे उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि इतना बजट 2017 तक जो बजट हम पास करते रहे, 2017 के बाद उन्होंने बजट पास कराना बंद कर दिया। शेरवुड कॉलेज का 30 से 35 करोड़ सालाना खर्चा वो करते हैं अपनी निरंकुशता से, अपने सिंगल्स अपने ऑपरेशन से करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बजट वो गवर्निंग बॉडी से पास नहीं करा रहे हैं। और जिसके लिए हमको एक्शन करना पड़ा 21 अक्टूबर 2020 को हमको एक्शन लेना पड़ा और अपने प्रिंसिपल मिस्टर अमनदीप संधु को सस्पेंड करना पड़ा। इसकी चर्चाएं सारी बातें यहाँ पर विवरण बताया गया और उसमें हम प्रक्रिया उस प्रकार से कर रहे हैं जो एक मानवीय प्रक्रिया हो और एक ऐसी प्रक्रिया हो जो सारे समाज को स्वीकार हो। आगे के लिए अब यह है कि जो कार्य हम नहीं पूरा हो पाया है हम फिर से कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाके उनको अपनी बात बताएंगे, इस तरीके से ये बात नहीं हो पाई है, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। बीती रात मुखबिर की सूचना पर बरकोली रेंज सितारगंज के वन क्षेत्राधिकारी जितेंद्र प्रसाद डिमरी व प्रभारी आईएफएस अभिमन्यु के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने अवैध तस्करी करके यूपी जा रहे अज्ञात तस्करों के सागौन से लदे हुए लट्ठों के टैंकर को पकड़ा, लेकिन अज्ञात तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सागौन के 17 लट्ठे बरामद किए गए हैं। जब्त सागौन की लकड़ी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक आकी जा रही है। जब्त वाहन को सितारगंज के 12 कोली रेंज कार्यालय में लाया गया और इस मामले में आगे की कार्यवाही और जांच की जा रही है। करीब 8 बजे मुखबिर के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि अवैध तौर पे सागौन के लट्ठों की तस्करी हो रही है यूपी की तरफ, तो हमने टीम को तैयार किया, प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत इस लकड़ी के तस्करों को पकड़ा। जो चालक थे और उसका खलासी थे वो चलती गाड़ी को छोड़ के भाग निकले खेत की तरफ। हमने इसे ट्रैक्टर जो भी है कैंटर इसको अपने सुपुर्दगी में लिया और इस पर कार्रवाई चलती। किसानों और सरकार के बीच जारी टकराव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसानों को कृषि कानून समझना चाहिए, सरकार उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं करेगी। गडकरी ने कहा कि किसानों को आकर कानून समझने चाहिए। पूरी तरह समर्पित है, अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। देखिए अभी क्या अभी अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी ज़्यादा हो गई। हमारे पास पिछले साल हमने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की और 10 रुपए किलो के भाव से 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी एक्सपोर्ट करने के लिए। क्यों दी? क्योंकि ब्राज़ील की शुगर 22 रुपए किलो के भाव से और हमारे यहाँ मिनिमम 34 रुपए भाव है। अब मुझे बताइए कि हम तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अब चावल हमारे पास 280 लाख टन गोडाउन में पड़ा है, रखने के लिए भी जगह नहीं, तो आप मुझे बताइए हमने चावल से इथेनॉल बनाने की बात की। और डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के 40 पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे डोईवाला, धारा 370 हटने के बाद पहली बार जीत कर आए डोईवाला। बड़ी खबर आप उस वक्त बता रहे डोईवाला से, जहां ग्राम प्रधानों ने पंचायत प्रतिनिधि का किया भव्य स्वागत। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के 40 पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे डोईवाला, धारा 370 हटने के बाद पहली बार जीत कर आए हैं डोईवाला। भोगपुर क्लस्टर में पंचायत प्रतिनिधि का स्वागत किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां 40 पंचायत प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर से डोईवाला पहुंचे हैं। भोजपुर क्लस्टर में पंचायत प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया है। ग्राम प्रधानों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।